हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम लोग सभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आज एक नया वीडियो के साथ आई हूँ। बहुत बढ़िया जबरदस्त वीडियो है। मस्त वीडियो है। एलोवेरा प्लांट जूस घर में बना के दिखाऊंगी सरल तरीका से, जैसे तुम लोग सभी लोग इसका फायदा ले सकते हो आसान तरीका से। घरेलू उपचार, किसी किसी के घर में मिक्सर रहता है, किसी का भी रहता नहीं है, इसलिए आसान तरीका से मैं दिखाऊंगी तो कैसे घर में जूस बना सकते हो बिना मिक्सर के। मैं बना के दिखाऊँ जो घर में तुम्हारे घर का ही चीज में हो आसान। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, एलोवेरा प्लांट से 5 लीव्स ले लिया। उसके बाद एक छोटा देख रहे हो टब, टब में पानी कट कट के मैं इसमें डाल रही हूँ। एलोवेरा को छोटा छोटा काट लगा के इसे पानी में डालना है। अब ऐसे बीच में चाकू की सहायता से काट के इसका जो एलोवेरा का जेल निकल लेना है। एक एक करके सभी एलोवेरा जेल निकल लेना है। ऐसे नहीं कर रही हूँ, ऐसे तुम लोग सभी ऐसे सेम करना। बहुत बढ़िया एकदम मस्त आइटम है ये, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसका बहुत फायदे भी है। तुम लोग तो सभी जानते हो एलोवेरा का बारे में, भरपूर मात्रा में इसका विटामिन होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। सभी लोग बालों के लिए, स्किन के लिए यूज़ करते हैं उसको, ये पता नहीं है जो इसके पीने का भी इतना फायदे है। गर्मी का टाइम में तो बहुत अच्छी है ये जूस पीने, गर्मी से भी तुम लोग सभी बचोगे, स्वास्थ्य भी अच्छे रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। पीने का भी बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। मैं जैसे बना लूँ सेम ऐसे बनाना, एकदम घर का चीज में, मैं घर का चीज से मैं बना के दिखाऊंगी आसान तरीका। एकदम ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। पीने के बाद तुम लोग खुद देखना स्किन नेचुरल तरीका से ग्लो करेगा, और तुम्हारा जो बाल है, बाल भी, जिसका बाल झड़ रहे हैं, छोटा बाल है, बड़ा करना चाहती हो, ये उसका ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा बाल ग्रोथ करने भी मदद करेगा। देखना गाइस मैं कितना ध्यान से एलोवेरा जेल निकल रही हूँ, ऐसे तुम लोगों को भी करना है।
जेल निकलने के बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है। बाद जो एलोवेरा जेल में छोटा छोटा लीव्स लग गए थे उसको निकल लेना है। अब चाकू से सहायता से एलोवेरा जेल को छोटा छोटा पीसेस से काटना है। ऐसे काट लेना है। देखिए गाइस हम लोग पूरा एकदम काट ले तैयार हो गया। उसके बाद जो चीज करना है, मिट्टी का एक चूल्हा ले लिया, उसमें कोयला डालना है। तुम लोग भी गैस का जो चूल्हा होता है उसमें भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैं इसमें बनाऊंगी, मिट्टी के चूल्हा में बनाऊंगी। अब इसका अंदर कोयला डालना है। पुराने ज़माने में सभी लोग मिट्टी का चूल्हा में बनाते थे, बहुत बढ़िया। ऐसे भी हम लोग भी जो चूल्हा में बनाती हूँ, टेस्ट उसका अलग ही रहता है। जैसे हम लोग गैस चूल्हा में बनाते हैं उसके से भी स्वाद ज़्यादा बढ़िया टेस्ट। जो मिट्टी का जो चूल्हा है वो तो सो ज़्यादा, मिट्टी का चूल्हा में बनाओ तो टेस्ट ज़्यादा खाने में बनते हैं। तुम लोगों को सभी को पता है जो चूल्हा से भी ज़्यादा मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाओ तो उसमें टेस्टी लगते हैं। तुम लोग घर में ट्राई करके देखना, मैं झूठ बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। इसलिए मैं सोचा चलो आज मैं मिट्टी का चूल्हा में बना के जूस को पीऊंगी, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। हम लोग घर में बनाते हूँ पीते हूँ, इसलिए सोचा आज बना रही थी तो इसलिए सोचा।